नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मालूम ही होगा कि इस समय भारत की राजधानी नई दिल्ली है। लेकिन क्या आपको यह मालूम है कि हमेशा से दिल्ली भारत की राजधानी नहीं रही है। प्राचीन और मध्ययुगीन काल में भारत कई राज्यों में विभाजित था। प्रत्येक की अपनी राजधानी हुआ करती थी। इनमें से कई व्यापार केंद्रों और सांस्कृतिक केंद्रों में विकसित हुआ करते थे। दोस्तों, क्या आपको ऐसे शहर के बारे में जानते हैं जो एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनी थी, वो भी ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, और ऐसा क्यों हुआ था, आगे हम इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, 1858 ईस्वी में इलाहाबाद को एक दिन की अवधि के लिए भारत की राजधानी बना गया था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने शहर में ब्रिटिश राजशाही की राष्ट्र का प्रशासन सौंप दिया था। उस समय इलाहाबाद उत्तरी पश्चिमी प्रांतों की राजधानी भी था। यहाँ पर उस समय अंग्रेजों ने उच्च न्यायालय से लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और अकबर के किले में सेना भी रहती थी। अंग्रेजों ने 1911 ईस्वी में राजधानी को कोलकाता, जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, दिल्ली स्थानांतरित कर दिया, जबकि शिमला 1864 से 1939 के दौरान ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। दिल्ली को औपचारिक रूप से 13 फरवरी 1931 को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में घोषित किया गया था। दोस्तों, आइए जानते हैं इलाहाबाद के इतिहास के बारे में। दोस्तों, प्रयागराज का अतीत काफी गौरवशाली रहा है। वर्तमान के साथ यह भारत के ऐतिहासिक और पौराणिक शहरों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहरों में से एक है और 3 नदियों गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित है। इस मिलन के स्थल को त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता है और यह हिंदुओं के लिए विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। इस शहर में आर्यों की पहले की बस्तियां बसी हुई थी, जिसे अब प्रयाग के नाम से जाना जाता है। इसकी पवित्रता पुराणों, रामायण और महाभारत में इसके संदर्भ से प्रकट होती है। तो दोस्तों, क्या आपको इससे पहले इस जानकारी के बारे में मालूम था कि इलाहाबाद भारत की राजधानी एक दिन के लिए बनी थी? यदि पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और हाँ, यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट तथा शेयर करें, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो प्राप्त करने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल आरके रियल फैक्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।